मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के शाहीन बाग पर प्रवेश वर्मा का विवादित बयान सामने आया है, जहां एक तरह से CAA के विरोध में शाहीन बाग में महिलाओं का सारा देश सलाम कर रहा है। उसी शाहीन बाग की तरह लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई में भी महिलाओं का प्रोटेस्ट जारी है, मगर बीजेपी नेता शाहीनबाग की तुलना कभी पाकिस्तान से करते हैं तो कभी कश्मीर से करते हैं। मगर प्रवेश वर्मा का बेहद ही विवादित बयान सामने आया है। दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में चुनावी माहौल बीजेपी बना रही है। प्रवेश वर्मा ने कहा, अगर बीजेपी सरकार बनी तो एक घंटे में शाहीन बाग हटा देंगे। साथ ही बयान में कहा कि दिल्ली के लोगों को सोचना होगा कि शाहीन बाग में लाखों लोग जमा होते हैं, वो आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उन्हें कत्ल कर देंगे। आज ही वक्त है, कल मोदी जी और अमित शाह आपको बचाने नहीं आएंगे। सुनिए किस तरह से ये विवादित बयान प्रवेश वर्मा ने दिया है। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुँच सकती है, हमारे घर में पहुँच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया देश का तो देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। इस तरह के विवादित बयान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का, अब आप जरा सोचिए कि जहां शाहीन बाग में खुद महिलाएं बच्चे अपने हक संविधान बचाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, उस शाहीन बाग पर ये बीजेपी नेता विवादित बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये वही शाहीन बाग है जहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और देश इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर आज भारत में कई जगह शाहीन बाग बन चुके हैं। इस तरह के विवादित बयान से साफ होता है कि वाकई में हिंदुस्तान की महिलाओं में वो ताकत है जो सरकार को उखाड़ फेंकने का हौसला रखती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो घरों में रहती थी और यही बीजेपी सरकार हमेशा कहती थी कि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी चाहिए, मगर अब यही मुस्लिम महिलाएं आज उसी बीजेपी सरकार के खिलाफ घरों से निकलकर अब उसी बीजेपी सरकार को अपने अधिकार, अपनी आज़ादी की लड़ाई ये महिलाएं खुद लड़ रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि हमें वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चाहिए जिसमें हमें आज़ादी से जीने का अधिकार दिया है, ना कि धर्म के नाम पर बने नागरिकता संशोधन कानून हमें चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि हमें धर्म के नाम पर बने नागरिकता संशोधन कानून की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।